सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज दे इस वीडियो दे विच गल करांगे जी असीं कॉन्सैप्ट ऑफ एंट्रोपी दे बारे। सो एंट्रोपी की चीज़ है, कित्थे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सब तो पहला गल कर लीए, एक किसी भी थर्मोडायनमिक सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है जिस दे बारे हुण तक अलग अलग साइंटिस्ट ने बड़े स्टेटमेंट्स दिते ने, पर एग्जैक्टली एंट्रोपी की चीज़ है उन्हूं एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सिर्फ इस दे विच चेंज जो होएगा, चेंज इन एंट्रोपी, उस दे बारे बहुत सारिया स्टेटमेंट्स जिहड़ियां ने, वो जिहड़ी पुख्ता जानकारी साडे कोल है, उस दे बारे ही अज गल करांगे की चीज़ है। तो सब तो पहलों गल कर रहा, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ट्रॉपी मीनस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर किसी सिस्टम दे अंदर कुछ चेंज आता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंदी है, तो उसनू असी एंट्रोपी काउंट करते हैं, जिहड़ा कि एक ग्रीक वर्ड ट्रॉपी तो इनवेंट होया। इट इज़ अ थर्मोडायनमिक प्रॉपर्टी, इट इज़ ओरिजिनेटिड फ्रॉम द सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स। जिमें कि असी पहला भी गल की कि एक थर्मोडायनमिक प्रॉपर्टी है और इसका ओरिजन सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स तो होया। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट विच शोज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ दैट हीट इन टू वर्क। सो ये एक हीट का फंक्शन है, किन्नी क्वांटिटी की जो हीट है वह असी किसी सिस्टम नू दे रहे हैं या किसी सिस्टम चो किन्नी असी हीट कढ़ रहे हैं, उसका एक फंक्शन है एंट्रोपी, विच शोज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ दैट हीट इन टू वर्क, कि जिहड़ा उसकी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी शो करेगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं दूगा, सिर्फ सानू एक पॉसिबिलिटी दे रहा कि किन्नी अमाउंट की हीट जो है वह वर्क दे विच कन्वर्ट हो सकती है या किन्ना वर्क सानू किन्नी हीट दे सकता है। सो दैट इज इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर टी, इट विल अंडरगो अ प्रोसैस, कि अगर किसी सिस्टम नू असी कुछ अमाउंट दी हीट डी क्यू अमाउंट दी हीट सप्लाई की, तां उस टाइम उसका जो टेंपरेचर होगा वो मन के चलो एब्सोल्यूट टेंपरेचर टी है, तो उस दे अंदर कुछ प्रोसैस चेंज आना स्टार्ट हो जूगा और जो वो प्रोसैस चेंज वो दे अंदर आऊगा उसनू असी एंट्रोपी काउंट करांगे और उस प्रोसैस नू असी इस इक्वेशन दे नाल डिनोट करांगे, डी क्यू बाय टी इज इक्वल्स टू डी एस। और ये जो असी इक्वेशन बनाई हाँ ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसैसिस दे उत्ते ही एप्लीकेबल होगी और इस ते जो टर्म्स ने साढ़े को डी क्यू, जिमें कि असी उत्ते भी देखिया सीगा कि एक छोटी जी अमाउंट की जदों असी हीट किसी सिस्टम नू अप्लाई करांगे एब्सोल्यूट टेंपरेचर टी दे उत्ते, तां उस दे अंदर जो चेंज आऊगा डी एस, इत्थे असी एस की लिया है एंट्रोपी, और ये कंप्लीट डी एस सानू की शो कर रहा, चेंज इन एंट्रोपी। सो ये बारे ही अज असी डिस्कस करनी है कि जो चेंज इन एंट्रोपी है उसनू असी किस तरीके दे नाल एक्सप्लेन कर सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी, वैन द स्टेट चेंजेस इन रिवर्सिबल मैनर, कि किसी भी प्रोसैस के अंदर जदों कोई स्टेट चेंज होंदी है रिवर्सिबल मैनर के अंदर, तो उस टाइम उस सिस्टम की जो एंट्रोपी होएगी, उस सबस्टांस की जो एंट्रोपी होएगी वह की होगी, उसका फंक्शन होगा स्टेट चेंज का, फंक्शन ऑफ इट्स स्टेट विच इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द हीट टेकन इन और गिवन आउट, कि उस सिस्टम नू असी किन्नी हीट दे रहे हैं और या उस सिस्टम दे विचों किन्नी हीट कढ़ रहे हैं, तां उस दे करके जो उस दी प्रोसैस दे अंदर, जो उस दी स्टेट दे अंदर चेंज आऊगा, उस दे फंक्शन नू असी काउंट करते हैं चेंज इन एंट्रोपी। नैक्सट वो गल कर रहा, दस इन एनी सच चेंज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिसीव्ड और रिजेक्टिड डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ द सबस्टांस एट द टाइम measures the change in entropy. So next वो ये नाल जोड़ रहा है, कहिंदा जी इसे तरह ही उसे एक चीज़ नू ही एक्सप्लेन कर रहा है फर्दर, कहिंदा the quantity of heat received or rejected, कि उस दौरान जिन्नी हीट असी रिसीव की या जिन्नी हीट असी रिजेक्ट की उसनू जो असी डिवाइड करते हैं एबसोल्यूट टेंपरेचर के नाल उस पर्टिकुलर सबस्टांस दे, और नाल ही असी टाइम का ध्यान रखते हैं कि किन्ना टाइम लगता उस चेंज नू, या उस दे दौरान असी जिनी हीट सप्लाई की या जिनी रिजेक्ट की उस दौरान किन्ना टाइम लग गया, तो उसनों असी काउंट करते हैं चेंज इन एंट्रोपी।
नेक्स्ट गल कर रहा है, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू इज एडेड टू अ गैस कॉजिंग द एंट्रोपी टू इंक्रीज बाय डी एस व्हेन द टेम्परेचर टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट दिस इंस्टेंट। कि अगर किसी सिस्टम दे विच कुछ छोटी जी अमाउंट की डी क्यू अमाउंट की हीट एड की गैस दे विच जिदे करके उस सिस्टम की एंट्रोपी डी एस वध गई जदों उसका टेंपरेचर टी सी एबसोल्यूट टेंपरेचर तो उस दौरान जो साढ़े को इक्वेशन सामने आऊगी वह कुछ इस तरीके होगी या जो रिलेशन साडा इन्हों एस्टैबलिश होगा वह कुछ इस तरीके होगा डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय टी। नैक्सट असी नाल ही देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी कि चेंज इन एंट्रोपी नूं असी ग्राफिकली ग्राफ दे उत्ते किस तरीके दे नाल शो कर सकते हैं जिवें कि तुसी सामने देख पा रहे हो असी एक ग्राफ प्लॉट किया होया इन बिटवीन एबसोल्यूट टेंपरेचर एंड एंट्रोपी कि जिवें ही असी देखिया किसी सिस्टम का एबसोल्यूट टेंपरेचर चेंज हुंदा उसके अंदर कुछ हीट दिती जांदी है तो नाल ही एंट्रोपी दे विच चेंज किवें आ रहा। सो इत्थे असी एक प्रोसैस लिया उस प्रोसैस के अंदर जो उस प्रोसैस का टेंपरेचर सी एबसोल्यूट टेंपरेचर वह राइज कर रहा फ्रॉम ए टू बी और नाल ही उसकी जो एंट्रोपी है वह भी इनक्रीज कर रही है फ्रॉम एस वन टू एस टू। टेंपरेचर चेंज हो रहा टी वन टू टी टू एंट्रोपी चेंज हो रही है एस वन टू एस टू। तो असी किसी भी इंस्टेंट के उत्ते मान लो इस जगह के उत्ते इत्थे 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 किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस से असी हुण चेंज नोट करना कि उस एंट्रोपी के अंदर चेंज किन्ना आया। सो इस पर्टिकुलर प्लेस से असी मान के चलते हाँ कि असी इस जगह पर एक्स वाई एक छोटा जिहा प्लेस ले लिया और इस प्लेस की असी हुण एंट्रोपी नोट करनी है कि इस छोटे दे विच एरिया दे विच इस कर्व दे विच चेंज इन एंट्रोपी किन्ना आऊगा। तो इस दे रिस्पैक्टिव इन्नी कर्व दे रिस्पैक्टिव जिनी अपने को एंट्रोपी लाइन के उत्ते एक्स एक्सिस के उत्ते जो एरिया आऊगा इनू असी डिनोट करांगे डी एस जो कि शो कर रहा चेंज इन एंट्रोपी कदों जदों असी छोटी अमाउंट की डी क्यू अमाउंट की हीट सप्लाई की सिस्टम नू और टेंपरेचर दे विच जो चेंज शो हो रहा कि मन के चलो इत्थे मेरा टेंपरेचर इनिशियली टी सी और चेंज होने तो बाद जदों नैक्सट स्टैप के उत्ते पहुँचा तो मेरा टेंपरेचर डेल्टा टी एड हो गया। सो इस दे तरीके दे नाल ही असी इस दे विच ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन दे नाल असी चेंज इन एंट्रोपी नू डिनोट कर सकते हैं। नैक्सट नाल ही असी गल करते हैं कुछ हाईलाइट्स के बारे कि चेंज इन एंट्रोपी इज regarded as a measure of the rate of availability of heat for transformation into work ki jadon kuch amount di heat transform hundi hai work de vich aur kis rate te oh jo heat hai transform ho rahi hai us di kinni availability hai aur us di availability nu assi count karde ha change in entropy। नैक्सट गल कर रहे हैं एंट्रोपी इज जनरली अज्यूम टू बी जीरो एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड कि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से असी अज्यूम करके चलते हैं जो एंट्रोपी की वैल्यू है वह जीरो होंगी है। इट इनक्रीजिज विद इनक्रीज इन टेंपरेचर एंड डिक्रीजिज विद डिक्रीज इन टेंपरेचर कि टेंपरेचर के इनक्रीज करन दे नाल इस दी वैल्यू इनक्रीज होंगी है तो डिक्रीज करन दे नाल टेंपरेचर दे इस वैल्यू डिक्रीज होंगी है। नैक्सट और नोट दे रहा है इफ एंट्रोपी ऑफ अ सबस्टांस इज डिवाइडेड बाय इट्स मास इट विल बी नोन एज स्पेसिफिक एंट्रोपी कि अगर किसी भी सबस्टांस की चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी नू असी उस दे मास दे नाल डिवाइड कर दिए तो जो फाइनल वैल्यू मेरे को आएगी उसनू असी स्पेसिफिक एंट्रोपी काउंट करांगे। सो ये ही मेरा एंट्रोपी का जो टॉपिक सी वो कंप्लीट हो गया। होपफुली तुहानू ये एंट्रोपी का टॉपिक समझ लग्या होगा। सो अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई तो कमेंट करके जरूर दस्यो पूछ्यो। थैंक यू जी वेरी मच। सत श्री अकाल जी।